नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल फोन की उपभोक्ताओं से आधार का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन बंद करने का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में देवभूमि का एक और लाल हुआ शहीद। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ पहुंचकर शहीद को दी श्रद्धांजलि। देर सांय राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने बागियों को मनाने की कोशिश की। कई जगह भाजपा और कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए। बागी उम्मीदवारों के खिलाफ अब होगी कार्रवाई। और पति की लंबी आयु के लिए आज महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। ज्वेलरी शॉप, पार्लर और कपड़ों की दुकानों के साथ ही बाजार में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की भीड़। बाजारों में खूब रही रौनक। अब खबरें विस्तार से। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के अनुपालन के लिए दूरसंचार कंपनियों को कल मोबाइल फोन के मौजूदा और नए कनेक्शन पाने वाले उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने एक ऐतिहासिक फैसले में कानूनी प्रावधानों के न होने से निजी कंपनियों द्वारा आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था। दूरसंचार विभाग ने कल टेलीकॉम कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का विस्तृत निर्देश जारी किया और 5 नवंबर तक इसके अनुपालन के बारे में बताने को कहा। दूरसंचार विभाग ने नए कनेक्शन के लिए ग्राहक अगर स्वेच्छा से देना चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर उसका आधार कार्ड लेने की अनुमति दे दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में देवभूमि का एक और लाल शहीद हो गया। गुरुवार को उपद्रवियों ने पेट्रोलिंग कर रही टुकड़ी पर हमला बोल दिया था, जिसमें पिथौरागढ़ के जवान राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शुक्रवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था, जिनका पार्थिव शरीर आज आर्मी हेलीपैड पिथौरागढ़ लाया गया, जहां मुख्यमंत्री और सैन्य अधिकारियों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शहीद का शव उनके घर के लिए रवाना हुआ। गंगोली हाट के बन्ने डाकुंड निवासी 24 वर्षीय जवान राजेंद्र सिंह देश सेवा का जज्बा लिए 3 साल पहले ही भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। इन दिनों उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में थी। पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद जवान राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पत्थरबाजों को लेकर कहा कि जो मानवाधिकार की बातें करते हैं वो ऐसे समय पर कहां जाते हैं जब सैनिकों पर पत्थरबाजी होती है। मुख्यमंत्री ने ऐसे नौजवानों के भटके हुए होने पर भी नाराजगी जताई। उनको ईश्वर इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, निश्चित रूप से इसका जवाब ढूंढना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है कि तमाम जो मानवाधिकारवादी बनते हैं ऐसे समय पर खड़े हो जाते हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए वो सामने खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ये बड़ी चिंता का विषय है और निश्चित रूप से जो सैनिक के ऊपर टेढ़ी नज़र से देखता है, सैनिक पर पत्थरबाजी करता है या गोली बरसाता है, मुझे लगता है कि इसको किसी भी कीमत पर, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये भटके हुए नौजवान हैं, इनको भटकावन नहीं कहा जा सकता। वहीं अपने बेटे के हमले में शहीद होने की सूचना मिलने के बाद उनके गृहनगर क्षेत्र गंगोली हाट में कोहराम मचा हुआ है। जैसे ही शहादत की खबर सुनी निशब्द था और हतप्रभ सा रह गया था। अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं समझ नहीं आ रहा था, पर एक कविता के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूंगा और मेरी यह कविता आपको समर्पित है मेरे दोस्त। फिर एक आंगन सूना हो गया, फिर एक आंगन सूना हो गया, दीपावली में चिराग रोशन होंगे, इंतजार में माँ आज तुम्हारा गला भर गया, पर आज बेटा तिरंगे से लिपट कर घर आ गया। मानवता की हदें पार हुई, मानवता की हदें पार हुई, कण कण हर क्षण लहू लहू, प्राण न्योछावर माँ के खातिर तुम्हें सत सत नमन करूं, तुम्हें सत सत नमन करूं। क्या सब
इसके बारे में शहीद हुआ वो लड़का बहुत ही होनहार लड़का था और अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसकी तीन बहनें हैं, एक बहन की शादी हो गई, दो बहनों की शादी नहीं हुई। इसकी माँ बाप ने इसको बड़े परिश्रम से इंटर पास कराया, कराने के बाद ये फौज में भर्ती हुआ। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही होनहार लड़का था जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। इसको हम बार बार नमन करते हैं। शहीद हुआ है, इसका हम सबको बहुत दुख है। एक सिविल लीग के अनुसार के थ्रू मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूँ। ये देश की क्षति तो है ही है और सबसे बड़ी क्षति इस पिथौरागढ़ की है। पिथौरागढ़ ने आज तक न जाने इस लड़ाई में कितने जवान हमारे शहीद किए हैं। और अगर मैं सच्ची कहूँ तो ये क्षति है उस माँ बाप की जिन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया है, और उनके माँ बाप के इस जो क्षति हुई है उसमें हमारी संवेदना है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी और भी जितने जवान हैं आज देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर वो देश के काम आए तो ये पिथौरागढ़ धन्य होगा, ये उत्तराखंड धन्य होगा, और हम जैसे माँ बाप जिनके बच्चे सेना में हैं वो धन्य होंगे। वहीं शहीद राजेंद्र सिंह का देर सांय राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय निकाय चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच और आपत्तियों के बाद देहरादून महापौर पद के दो नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद और नगर पालिका बड़कोट अध्यक्ष पद पर एक एक नामांकन निरस्त हुआ है। निकाय निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज नामांकन वापसी का दिन रहा। भाजपा और कांग्रेस बागी नेताओं को मनाने के लिए जुटे रहे, जिसमें भाजपा ने ऋषिकेश नगर निगम में अपने दो बागी उम्मीदवार चारू कोठारी और कुसुम कंडवाल को नामांकन वापस कराकर राहत की सांस ली। वहीं कांग्रेस ने भी बागी उम्मीदवार अनिता असवाल से नामांकन वापस कराया। गोपेश्वर पालिका से सत्येश्वरी टमटा, जोशीमठ नगर पालिका से राकेश रंजन ने नाम वापस लिया है। वहीं बागेश्वर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के छह उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं, जबकि कपकोट नगर पंचायत में अध्यक्ष पद से एक निर्दलीय ने नाम वापस लिया है। टिहरी जिले से निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के 10 नामांकन वापस लिए गए हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत लोगों को किफायती दरों में दवाइयां मिलने लगी हैं। इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। पेश है उद्धम सिंह नगर से एक रिपोर्ट। बाजार में महंगी दवा के चलते आम आदमी को इलाज कराने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उसके मन में इलाज का खर्च और फिर महंगी दवाइयों के खर्च को लेकर चिंता बनी रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ने इस चिंता का समाधान कर दिया है। उधम सिंह नगर में औषधि केंद्रों पर सभी प्रकार की जेनेरिक दवाएं उपलब्ध हैं। वहीं प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से नॉन जेनेरिक दवाओं को भी 70% छूट पर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हृदय रोग से पीड़ित राम सिंह ने बताया कि अभी हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ है, जिसकी दवाइयां बाजार में काफी महंगी हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र में ये दवाइयां लगभग आधी कीमत में मिलने से उन्हें बहुत मदद मिल रही है। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, प्राइवेट इलाज बहुत महंगा पड़ रहा है, जब से ये सरकारी जन औषधि मेडिकल पे आया हुआ हूँ यहाँ की दवाइयां मुझे आधे रेट पर मिल रही हैं। और गरीब आदमी यहाँ इन दवाइयों के जरिए अपना पूरा इलाज करा सकता है। और मेन मार्केट में तो इतनी महंगी दवाइयां हैं कि अपना इलाज भी नहीं करा सकता। जब से प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उससे गरीब आदमी को बहुत ही फायदा मिला है। वहीं राम सिंह की पत्नी सरोज का कहना है कि जन औषधि केंद्र खुलने से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि महंगे इलाज के चलते पहले लोग बीमारी से जूझते रहते थे, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं से अब गरीब आदमी भी अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहा है। मैंने अपने पति का ऑपरेशन कराया और वह दवाई बहुत महंगी है, जो यहाँ हमें 196 रुपए का पट्टा दे रहे हैं वो हमें 750 रुपए का मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर हमें सस्ती दवाई मिली है, आधे रेट में दवाई मिल रही है हमें।
और इससे कोई भी गरीब आदमी अपना इलाज करा सकता है। एक अन्य लाभार्थी धर्मेंद्र पासवान ने बताया कि बाजार की तुलना में जन औषधि केंद्र में दवाओं की कीमत आधे से भी कम है, जिससे उन्हें काफी राहत मिल रही है। जिला अस्पताल में अपने बच्चियों को जो है दिखाने आया था और वहां से दवाई दिखाने के बाद ये जन औषधि केंद्र में दवाई लेने आया मैं, और वहां पे बहुत मुझे सुविधा मिली है और दवाइयों पे भी बाहर के अलावा जो है यहां पे अच्छा रिस्पॉन्स और मुझे फायदा भी हुआ है। जन औषधि केंद्र में न केवल सस्ती दवा उपलब्ध है बल्कि ये गुणवत्ता के मामले में भी प्रभावी है। इससे धन की बचत होने के साथ साथ मरीज के स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। राज्य के लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा शुरू हो गई है। सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से वित्तीय और भौतिक प्रगति ही नहीं परिणाम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए कार्य संस्कृति में बदलाव करने और विभागों के परफॉर्मेंस के आधार पर स्टार रेटिंग देने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 नवंबर को 2018-19 के मासिक लक्ष्य फ्रीज कर दिए जाएंगे, जिससे कि जिलों को परफॉर्मेंस की रेटिंग की जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि जन सामान्य को दी जाने वाली सेवाओं को आवश्यक रूप से सीएम डैशबोर्ड में जोड़ा जाए, जिससे कि सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जा सके। बैठक में सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा ने बताया कि 32 विभागों के 214 केपीआई तय किए गए हैं, जिसमें 142 प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को रखा गया है। इसमें से 63 राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम शामिल हैं। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के 95 यूजर हैं। उन्होंने बताया कि इससे परिणाम के आधार पर केपीआई की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स तय किए गए हैं। उत्तराखंड ई गवर्नेंस से जी गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए उत्तराखंड जियो पोर्टल बनाया गया है। ये सभी विभागों का एकीकृत डेटा पोर्टल है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि स्टेट स्पेशियल यानी अंतरिक्ष संबंधी डेटा इंटरफेस एसडीआई के माध्यम से इस पोर्टल को विकसित किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सचिवालय में राज्य एसडीआई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि पोर्टल को विकास कार्यों की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग के रूप में विकसित किया जाए, जिससे कोई भी डीपीआर बनाते समय जीपीएस मैप उपलब्ध हो सके और पूरे प्रदेश के विकास कार्यों को पोर्टल पर देखा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए कल रविवार को लोगों से जुड़ेंगे। कल पूर्वाह्न 11 बजे मन की बात के 49वें संस्करण में प्रधानमंत्री श्री मोदी महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात के लिए प्रधानमंत्री लोगों से सुझाव आमंत्रित करते हैं ताकि उन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। पति की लंबी आयु के लिए आज महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। वहीं दिन भर बाजार में रौनक देखने को मिली। मेहंदी स्टॉल, ज्वेलरी शॉप, पार्लर, कॉस्मेटिक और कपड़ों की दुकानों में महिलाओं की भीड़ लगी रही। दिन के बाद महिलाएं करवा चौथ की पूजा की तैयारियों में व्यस्त रही। कथा सुनने के लिए महिलाएं समूहों में एक स्थान पर एकत्र होती दिखी। गौरतलब है कि महिलाएं परंपरागत ढंग से चंद्रमा निकलने पर पूजन अर्चन कर पति के हाथ जल ग्रहण कर व्रत संपन्न करती हैं। और मैं यहाँ मेहंदी लगवा के और अपनी सास के लिए वो निकालते हैं, सिंगारा निकालते हैं, साड़ी वाड़ी बिछे वगैरह लिए मैंने। और रात को हम लोग उसका नहा धोकर हम लोग तैयार होकर 4 बजे इस कथा को सुनते हैं, करवा चौथ की कथा को। और फिर इसका हम चंद्रमा को अग देकर तब इस व्रत को पूरा करते हैं। और 6 साल से मैं ये व्रत कर रही हूँ और इस कर्म में हम गेहूँ भरते हैं और पति की लंबी उम्र के लिए हम ये व्रत करते हैं। नए कपड़े लेते हैं, खूब सारा श्रृंगार का सामान लेते हैं और दिन भर सजते हैं, कथा करते हैं, मतलब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। हम ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इसके लिए बहुत सारी एक हफ्ते से काफ़ी तैयारियाँ की है हमने और हम आज शॉपिंग करते हैं।
किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित राज्यपालों की समिति ने कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति का गठन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने बताया कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और खारे पानी समेत विभिन्न चुनौतियों पर विचार करते हुए समिति ने 21 प्रमुख सिफारिशें दी हैं। समिति ने बड़ी जोत वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम को 5 से घटाकर 2.5% करने का सुझाव दिया है। एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव के तहत मनरेगा स्कीम को कृषि कार्यों से जोड़ने की सिफारिश की गई है, क्योंकि इस योजना के चलते खेती के कामों में मजदूरों की उपलब्धता पर नकारात्मक असर पड़ रहा था। वहीं समिति ने महिलाओं को खेती से जुड़े कार्यों में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है। किसानों की समस्या को दूर करने के लिए जनपद स्तर पर कृषि शिकायत निवारण सेल के गठन का भी सुझाव दिया गया है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।